व बरकातहू मैं अपने तमाम मज़स अपने हम सफ़र साथियों को अपने तमाम पीर भाइयों को अपने तमाम मुरीदीन को अपने तमाम चाहने वालों को और जो जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को और बिलखसूस वो लोग जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से शुरु कुरैश के कारवा में शामिल हैं मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों किसी खानदान से जुड़े हुए हैं किसी न किसी सरासिल का हिस्सा हैं अमलियात की जस्तजुम में रूहानियत की तलाश में अपने और हमारे सलासिल के ज़िक्र असकार की तलीमत हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मैं उन तमाम लोगों को और बिलखसूस वो लोग के जो राह अमलियात में मेरे साथ इस मुबारक सफ़र पर निकले हैं कि जिन्होंने कोशिश की है कि जिन्होंने इरादा किया है जिन्होंने नीयत की है कि रजब शाबान और रमज़ान हम डॉक्टर साहब के साथ शाना बशाना हैं हम डॉक्टर साहब के बताए हुए अमाल पढ़ेंगे हम डॉक्टर साहब के बताए हुए अमाल के तरीक़ेकार जानकर अपनी और अपने मुरीदीन की और अपने शागिर्दों की असलाह करेंगे उनकी तरबियत करेंगे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ वो लोग भी जुड़े हैं जो किसी न किसी सलासिल से जुड़े हुए हैं जो अपने ख़ानदानी सिलसिले चला रहे हैं मैं उन तमाम लोगों को राह अमलियात जो हम सीखेंगे और फिर उस ही के ज़रिए अपने ही शागिर्दों की असलाह और तरबियत करेंगे मैं ऐसे तमाम लोगों को जो इस नीयत से मेरे साथ जुड़े हैं मैं उन तमाम लोगों को और वो आम लोग जो किसी न किसी मसाहिब में गिरफ़्तार हैं जो किसी न किसी परेशानी में घिरे हुए हैं चाहे वो परेशानी उनकी ज़ाहरी हो चाहे वो परेशानी उनकी बातनी हो चाहे वो बीमारी उनकी ज़ाहरी हो चाहे वो बीमारी उनकी बातनी हो और वो इस नीयत से मेरे साथ इस राह सफ़र में निकले हैं इस राह अमलियात में निकले हैं मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान ख़ानदान कादरिया सिलसिलाए आलिया सहरवर्दिया चिश्तिया कलंदरिया अबुलिया जहांगीरिया उस्मानिया, तारिकिया शाजलिया में एक बार फिर राह अम्लियात सीज़न वन के एपिसोड वन में खुश आमदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी के सफ़र का राह अम्लियात में आज पहला दिन है हर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 11 बजे तक बरोस पीर यानी मंडे हर मंडे आप हमें लाइव यूट्यूब पर ज्वाइन करेंगे मेरे तमाम लेक्चर के राह अमलियात में हम क्या करेंगे हम क्या सीखेंगे और वो लोग कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपनी कंप्लीट की है कि जिन लोगों ने राह अमलियात में फॉर्म जमा कराए हैं फॉर्म जमा कराने का फ़ायदा उनको ये है कि लेक्चर मैं आपको लाइव यूट्यूब पर दूंगा, लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म जमा कराया है उन लोगों की मैं क्यों क्लास लूंगा जूम पर वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नहीं होगी क्यों क्लास में मैं सिखाऊंगा उन्हीं अमाल के तरीके और उसमें होंगे आपके सवाल और हमारे जवाब तो जूम पर आपकी क्लास क्यों नहीं होगी और याद रखें कि जिन लोगों ने जो फॉर्म जमा किया है अपने नाम से उस नाम से उनको उनकी रजिस्ट्रेशन जूम पर होगी जूम पर हमारी क्यूने क्लास होगी कि जिसमें आप और मैं रूबरू होंगे हम बात करेंगे यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ लेक्चर होगा जो लेक्चर हर पीर को यानी हर मंडे को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 से 11 होगा अब वो जो हमारा क्यूने सेक्शन होगा सेक्शन में आप लाइव मेरे साथ बैठेंगे और आप स्क्रीन पर मुझे देखेंगे और जूम की स्क्रीन पर मैं आपको देखूंगा जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद होंगे उनकी डेट और टाइमिंग उनको बताई जाएगी उनको लिंक सेंड किया जाएगा उन लोगों को कि जिन लोगों ने फॉर्म जमा कराया है फॉर्म जना जमा कराने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप तक मेरा पैगाम पहुँचे और आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं अपने अमलियात के मुतालिक अपने इस तहे अमलियात यानी कि जो सफ़र हमारा चल रहा है इस सफ़र में जो कुछ हम करेंगे उसके मुतालिक आप और मैं एक दूसरे से जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे हम जूम क्लास पर कि जो हमारे यूट्यूब पर नहीं दिखाई जाएगी यूट्यूब पे सिर्फ लेक्चर होगा इसलिए ताकि आप भी उससे फ़ायदा उठाएं और दूसरे लोग वो भी सलासिल के जो लोग हैं मुख्तलि खान वादे के लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़ते जाएँ और इससे इस्ता हासिल करें तो हम राह अमलियात में क्या करेंगे आइए हम अपने राह अमलियात का सबक तवज्जो से सुनते हैं क्योंकि हमारे साथ हज़ारों लोग जुड़े हैं जो राह अमलियात का सफर शुरू करेंगे सबसे पहले मैं एक फारसी के शेर से अपनी राह अमलियात का आगाज करना चाहूंगा तेरा जहूर मुझ से है तेरा जहूर मुझ से है और मेरा वजूद तुझ से है अगर मैं ना होता तो तू जाहिर ना होता अगर मैं ना होता तो तू जाहिर ना होता अगर तू ना होता तो मैं मौजूद ना होता उम्मीद है कि ये शेर आपके समझ आया होगा चलिए अब हम अपने राह अमलियात के आगे सबक की जाने बढ़ते हैं कि राह अमलियात हमारा क्या है और हम किस तरह इसका आगाज करेंगे जो शख़्स दुनिया में जहाँ भी मौजूद है वो अपने कैलेंडर के मुताबिक अपने मुल्क के मुताबिक जब रजब की पहली तारीख शुरू होगी तो वो रजब की पहली तारीख से इस चीज़ का अहतमाम करेगा सऊदी अरब में एक दिन पहले चांद हो जाता है और जो सऊदी अरब को फॉलो करते हैं उनका भी एक दिन पहले चांद हो जाता है हमारे यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान और मुख्तलि ममालिकों में एक दिन बाद चांद होता है तो आप अपने ममालिक मुताबिक जिस जगह रहते हैं उस मुताबिक जब रजब की पहली चांद हो तो आपने तब से ये अमल शुरू करना है हम इस राह अमलियात में क्या करेंगे <coughs> हमारे राह अमलियात के तीन सेगमेंट होंगे सबसे पहला सेगमेंट हमारा जो होगा वो होगा जिक्र का अब हम पहले सेगमेंट जो हमारा जिक्र का होगा अब आप अपने मुमालिक में जब चांद हो जाए उसके बाद ईशा की नमाज से लेकर फजर की नमाज तक जो भी आपको टाइम मिलता है आपने उस टाइम अमल पे बैठना है सबसे पहले हम करेंगे खानदान कादरिया का जिक्र उस जिक्र का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो बहुत ज्यादा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पंद्रह से बीस मिनट तक का टाइम होगा उसके बाद जब हम ज़िक्र से फारग होंगे हम उसके बाद एक नक्श की ज़क़ात अदा करेंगे यानी कि हम पंद्रह के नक्श की ज़क़ात अदा करेंगे और पंद्रह के नक्श की ज़क़ात हम किस तरह अदा करेंगे उसके लिए क्या लवाज़मात होंगे मैं उसके बारे में बताऊँगा पहला सेगमेंट हमारा ज़िक्र का होगा जो हम बैठ के ज़िक्र करेंगे जिस जगह पर जो शख़्स जहाँ पर होगा उसके बाद जब वो अपने जिक्र से फारिग होगा वो अपना नक्श लिखेगा जब वो अपने नक्श से फारिग होगा फिर वो अमल पड़ेगा जो अमल राह अमलियात का आपका पहला सबक होगा बस खत्म ये तीन हैं आपके पास और चौथा इसका नतीजा होगा यानी कि इसके फायदे इसके तरतीब इसके तरीकेकार जो मैं आपको बताऊंगा ये वो तरीकेकार है कि जो हमारे बुज़ुर्गों का रहा है जो हमारा रहा है अपने इब्तान वक्त में अपने इब्तदाई वक्त में कि पहले जब हम बैठते थे अपने मसल्ले पे, तो सबसे पहले हम ज़िक्र करते थे ज़िक्र के बाद हम फिर मुख्तलिफ नकूश की ज़कवा़त अदा करते थे उसके बाद फिर हम अपना अमल पढ़ते थे और फिर वक्त तहजद का हो जाता था या फजर का हो जाता था उसके बाद हम अपनी नमाज की अदायगी करते थे और उसके बाद हम सो जाया करते थे ये हमारी रूटीन सालों रही है और जो शख्स अपने अमल अपने नक्श की जकवात अदा करने से पहले अल्लाह तबार वाल का जिक्र करता है और ख़ास कर वह जिक्र जिसे जिक्र कादरिया कहा जाता है तो अल्लाह तबारा उस ज़िक्र की बरकत से उस अमल में आने वाली मुश्किलात आने वाली आजमाइश आने वाली परेशानियों से अल्लाह तबारा तला उसे महफूज कर देता है जिक्र सबसे पहले जो हम करेंगे वो हमारा होगा कामिल और मुकम्मल हिसार यानी कि जब हम बैठेंगे तो हमें ये डर नहीं होगा कि हमें इससे रुझत होगी हमें ये डर नहीं होगा कि कोई जादूगर हम पे वार कर सकता है हमें यह डर नहीं होगा कोई जिन्नात हमें नुकसान पहुंचा सकता है हमें ये डर नहीं होगा कि हमारे अमल से हमारे बच्चों को कोई नुकसान पहुंच जाएगा हमें यह डर नहीं होगा कोई शैतान हम पर आगे हवार कर सकता है या शैतान हम पे हाजिर हो सकता है या शैतान हमें नुकसान पहुंचा सकता है ये डर और खौफ हमारे इस जिक्र से हमारे अंदर से बिल्कुल निकल जाएगा ये वो तरीक़ेकार है जो मैंने खुद इस पर अमल महीनों नहीं बल्कि सालों किया है और मेरे मामूलात में है बल्कि अगर मैं अपने मुर्शिद की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे मुर्शिद का भी तरीक़ार ये रहा है उनकी ज़िंदगी में कि जब भी वो अपने पढ़ाई पर बैठते हैं तो सबसे पहले वो जिक्र करते हैं उसके बाद भी मुख्तलि नक्शी अगर जकवात अदा करना हो उनको तो वो जकवात अदा करते हैं उसके बाद उनको अगर कोई अमल पढ़ना हो तो वो अमल पढ़ते हैं ये वो तरीक़ेकार में समझा रहा हूँ जो एक साली के हकीकी का अमल तर्ज अमल है यानी कि ये वो तरीक़ेकार है जो हमारे मुर्शिद का था ये वो तरीक़ेकार है जो हमारे दादा मुर्शिद का था ये वो तरीक़ेकार है जो हमारे परदादा मुर्शिद का था ये वो तरीक़ेकार है जो अलिया अल्लाह का है अब वो जिक्र कि जो जिक्र हम राह अमलियात में करेंगे उसका फ़ायदा हमें क्या होगा उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम हिसार में आएंगे दूसरा उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम से जो गुनाह सरजद हो गए हम किसी कहर में मुबतला थे हम किसी जादू में मुबला थे हम हासिदीन की नज़र में मुबला थे हम नज़र बद में मुबतला थे अब हम राह अमलियात का हिस्सा बने डॉक्टर साहब ने हमें सबसे पहले सेगमेंट जिक्र पे बिठाला तो हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम पर जितनी नेगेटिविटी थी उस जिक्र ने हमारे अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया जिक्र करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे अंदर का नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म होगी हमारे अंदर अगर नज़र बद के असरा होंगे तो वो ख़त्म होंगे हमारे अंदर अगर बीमारियाँ होंगी तो वो ख़त्म होंगी हमारे ऊपर अगर जादू होगा तो वो ख़त्म होगा हमारे ऊपर किसी किस्म की कोई नागानी आफत मुसलत होगी हमारे ऊपर कोई बलायात मुसलत होगी हमारे ऊपर कोई वबा होगी तो इस ज़िक्र की बरकत से सबसे पहले आपकी सफाई होगी अब देखें राह अमलियात आपके लिए आबे हयात के मानंद है कि राह अमलियात आपके लिए आब हयात है और ऐसा आब हयात के जो आपके वजूद को पाक कर दे और सबसे पहले जब इंसान अपने वजूद को पाक करता है अपने अंदर के बर्तन को पाक करता है फिर वो कामयाबी की राह पकड़ता है हमारे अमलियात में कामिल हमारे अमलियात में कामयाब ना होने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हमने हमारे अपने अंदर का बर्तन मेला है बहुत ज्यादा मेला है उसको साफ करने में देर लग रही है इसलिए हम कामयाब नहीं हो पा रहे लेकिन जब हम राह अमलियात में जिक्र का सहारा पकड़ के हम अपने अंदर के बातिन को पाक करेंगे तो सबसे पहला फायदा हमें क्या होगा कि हम अगर लफ्ज अल्लाह भी पढ़ेंगे तो हम कामयाब होंगे क्यों क्योंकि जिक्र और अल्लाह का जिक्र के सबसे पहले आपके दिल के जो एक डॉट लगा होता है जो गुनाहों की वजह से सियाही फैल रही होती है सबसे पहले जिक्र उस डॉट को रिमूव करता है उसको खत्म करता है वो कुफुल तोड़ता है जो आप पे लगाती है बंदिश आपकी रिस्क की जो बंदिश लगाती है आपकी तरक्की की जो बंदिश लगाती है आपकी कामयाबी की और जब हम जिक्र से उस कफुल को तोड़ देंगे और जब कफुल टूटेगा वो दरवाज़ा खुलेगा तो फिर आपको रोशनी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि जिक्र एक ख़ास इबादत है ऐसी इबादत जो आपके अपने अंदर के हर किस्म की नेगेटिविटी को ख़त्म कर देता है आपको अपने रब से मिलवा देता है हम राह अमलियात में सबसे पहले करेंगे ज़िक्र उसके बाद करेंगे नक्श और उसके बाद करेंगे अमल यानी कि जिक्र और उसके बाद फिक्र खाली जिक्र हो और फिक्र ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं सिर्फ सवाब मिलेगा लेकिन अगर ज़िक्र के साथ फ़िक्र हो तो सवाब भी मिलेगा और उसकी मार्फत भी मिलेगी उसका इरफान आपको हासिल होगा आप उसको पहचानेंगे आप जिसका जिक्र कर रहे हैं जिक्र के बारे में क्या है कि अल्लाह तबारा कुरान पाक सूर्य बकरा में फरमाता है सो तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा और तुम मेरा शुक्र अदा किया करो और मेरी ना शुक्री ना किया करो सूर्य बकरा आयत नंबर एक सौ बावन यानी कि जब हम अल्लाह को जिक्र करेंगे तो वो हमारा जिक्र करेगा तो वो हमें याद करेगा यानी कि हमने अपने राह अमलियात अपने रजब के पहला सबक ही हमने रब की याद से शुरू किया है और ऐसे रब की याद से शुरू किया है कि जहां पे मायूसी की कोई वो ही नहीं है गुंजाइश ही नहीं है कि हम मायूस हो या हम नाकाम हो हमारी इब्तदा जिक्र और हमारी इंतहा अमल होगा यानी कि इब्तदा में हम जिक्र करेंगे इंतहा में हम उसकी मिराज को पहुंचेंगे जिक्र कि जिसके बारे में अल्लाह तबारा तला सुर अनकबूत आयत नंबर पैंतालीस में फरमाता है और वाकई अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है और वाकई अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है और अल्लाह उन कामों को जानता है जो तुम करते हो अनकबूत आयत नंबर 45। अब देखो अल्लाह तआला कुरान में क्या कह रहा है कि अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है और तुम जो काम करते हो ना अल्लाह उसको जानता है अब तुम क्या काम करते हो तुम नश लिख रहे हो तुम क्या काम कर रहे हो तुम अमल पढ़ रहे हो तुम क्या काम कर रहे हो तुम कारोबार कर रहे हो तुम क्या काम कर रहे हो तुम अच्छा काम कर रहे हो तुम क्या काम कर रहे हो तुम सो रहे हो तुम क्या काम कर रहे हो अल्लाह सब जानता है इस आयत ने बिल्कुल वाजह कर दिया अल्लाह तुम्हारे हर कामों को जानता है और तुम्हारे, तुम्हारे कामों से वाकिफ है वो अच्छा ये हम जानते हैं कि अल्लाह जानता है लेकिन उसके बावजूद भी हम सरकशी करते हैं उसके बावजूद भी हम गुनाह करते हैं क्यों क्योंकि हम जिक्र नहीं करते और जब हम जिक्र करेंगे तो हमारे अंदर एक ऐसा आईना हमें दिखेगा कि जिससे हमें यकीन होगा कि कोई देखने वाला हमको देख रहा है कोई सुनने वाला हमको सुन रहा है तो जिक्र कुरान में क्या है कि अल्लाह तबार वाता तहा में भी फरमाता है अब देखो तहा में वो क्या कहता है सूरतहा आयत नंबर सौ चौबीस में अल्लाह तबारा फरमाता है और जिसने मेरे जिक्र से रू गर्दानी की जिसने मेरे जिक्र से रू गर्दानी की तो उसके लिए दुनियावी माशी भी तंग कर दिया जाएगा यानी कि दुनियावी मुश जो होता है अब दुनियावी रिस्क हो गया तुम्हारा कारोबार हो गया तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें हो गई तुम्हारी औलाद हो गई तुम्हारी खुशियाँ हो गई तुम्हारी नहमतें हो गई तुम्हें जो कुछ मिल है, ताला रहा है अल्लाह तबा तला सूरत में क्या कह रहा है कि और जिसने मेरे जिक्र से रुक गर्दानी की तो उसके लिए दुनियावी माशी भी तंग कर दिया जाएगा और हम उसे क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे अल्लाह माफ़ करे कि कयामत के दिन हम उसे अंधा उठाएंगे अब ये देखो कि जो शख्स जिक्र नहीं करता जो शख्स जिक्र नहीं करता तो मरने के बाद वो अंधा उठाया जाएगा यानी कि जो रू गर्दा नहीं करता है हमने अपना राह अमलियात में सबसे पहला स्टेप हमारे तीन स्टेप हैं सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो है जिक्र हम जिक्र क्या करेंगे मैं वो बताऊंगा आपको खानदान कदरी का जिक्र वो तरतीब और तरीकेकार समझाऊंगा आपको राह अमलियात में जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो ऐसे ही जुड़े रहिएगा और ऐसे ही सुनते रहिएगा कि मेरी आवाज से भी आप, आपके अंदर जो गिरद है वो साफ होगी क्यों क्योंकि मैं आपको वो याद दिला रहा हूं कि जो हकीकत है मैं आपको वो समझा रहा हूं कि जिसके लिए तुम पैदा हुए हो जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो कि जिसके लिए तुम चुने गए हो अब देखो दुनिया की तादाद कितनी है लेकिन हमारे अगर मैं YouTube पे देखता हूं तो हमारे सुनने वाले लाखों में लेकिन उस लाखों में चुने गए मखसूस लोग वो कि जिन लोगों ने कोशिश की लाइसलील इंसान के इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है आपने कोशिश की आपने चुना एक ऐसा रास्ता जो हिदायत का रास्ता है जो आपको आपके रब से मिला देता है हम सिर्फ अमलियात नहीं करा रहे हम इसमें आपको एक ऐसा सफर तय करा रहे हैं जो राह अमलियात से राह सलूक तक का सफर है कि जो आपको एक अल्लाह का बंदा बना देता है जो आपको इंसान बना देता है जो आप हर चीज से हकीकत से आश्ना हो जाते हैं कि जिसके बारे में नबी करीम अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि जिसने पहचाना अपने नफ्स को उसने पहचाना अपने रब को और यहां इस राय अमलियात से लेकर राय सलूक तक हमारी कोशिश ही होगी कि इंसान अपने आप को पहचान ले और जिस शख्स ने पहचान लिया उसका सफर इत्मीनान बख्श हुआ और वो कामयाब हुआ ला मंदा का कहा कि कामयाब हुआ वो शर्क जिसने तस्किया नफ्स किया तो हमारी इब्तिदा सबसे पहले है जिक्र अब जिक्र अब के बारे में सरकार दो आलम वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि आपने फरमाया जब बंदा मुझे अपने दिल से याद करता है तो मैं उसे फरिश्तों की जमात में याद करता हूं यानी कि अल्लाह तबारा फरमाता है हदीस है सरकार ने फरमाया कि जब बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है दिल से याद करता है तो मैं उसे फरिश्तों की जमात में याद करता हूँ और जब बंदा मुझे जमात में याद करता है तो मैं उसे रफ़ी के आला में याद करता हूँ यानी कि अपने वो दोस्तों में याद करता हूँ जो सबसे अफजल और सबसे आला हैं यह हदीस है तिबरानी की अब हम जिक्र ही कर रहे हैं अब चाहे जिक्र हम तन्हा कर रहे हैं चाहे हम जिक्र एक जमात के साथ कर रहे हैं अब एक जमात के साथ मुराद क्या है कि यानी कि मेरे साथ अगर हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं और हज़ारों लोग अगर नशे और ज़िक्र करते हैं तो ये पूरी ज़मात है ये एक हजूम नहीं ये एक जमात है ये जो जिक्र करने वाले राह अमलियात में लोग मेरे साथ जुड़े हैं ये कौन है ये बाकायदा गया वो लोग हैं जो चुने गए हैं अरब के जिक्र के लिए और सिलसिले की असल तालीमत सिलसिले का आगाज और सिलसिले की इब्तिदा ही जिक्र है सिलसिले का अव्वल जिक्र है सिलसिले की इब्तिदा जिक्र है सिलसिले की मोहब्बत जिक्र है सिलसिले की अतात जिक्र है सिलसिले से बरदारी जिक्र है सिलसिले से वफा जिक्र है जब सब कुछ जिक्र है तो क्यों ना उसकी इब्तदा रहा अमलियात में हम जिक्र से करें और ऐसे जिक्र से करें जो मैंने खुद डॉक्टर साहब ने किया और वो जिक्र जो मेरे मुर्शीद ने किया वो जिक्र जो हमारे दादा मुर्शिद ने किया मैंने कहा आपसे कि मैं करूंगा वो चीज तालीम अमल आपको कि जो जो करता मैं खुद जो करते होंगे मेरे मुर्शिद जो करते थे मेरे दादा यानी आपको मैं उस कड़ी में जोड़ूंगा कि जो कड़ी चली आ रही है सरकार दो आलम वसल्लम से कायनात मौलाए कायनात से हसन बसरी हसन बसरी से पूरी तरतीब होते 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 एक कड़ी दार कड़ी दार चली आ रही है मैंने आपको जोड़ना है उस कड़ी में जो मुझ तक मेरे मुर्शिद से पहुंची है अब मैं आप मुझसे जुड़ेंगे मैं मुर्शिद से जुड़ा हूं मुर्शिद दादा से जुड़े हैं और फिर वही जिक्र जो ऊपर से चला आ रहा है और जब मेरे पास से होता हुआ आप और आपके पास से फिर दूसरों में जाएगा तो एक रोशन जिससे पूरी कायनात रोशन होगी कि जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है सिलसिले का सुतून जिक्र सिलसिले की बुनियाद जिक्र तो जिक्र आपको करता है पाक आपके वजूद को आपकी जुबान को आपके कल्ब को आपकी रूह को और बेदार करता है आपके सिर को बेदार करता है आपके अंदर खफी को बेदार करता है आपके अंदर खफीफा को कि जिक्र ही वो रास्ता है कि जिसके बारे में आप हर दिन पांच टाइम पे अपने रब के हुजूर खड़े होकर दुआ करते हो कि एहदीन सिरात एहदीन सिरात अल मुस्तकीम यानी कि सिलसिले का रास्ता खानदान का रास्ता ईमान का रास्ता इस्लाम का रास्ता सिराते मुस्तकीम का रास्ता और फिर आप कहते हो सिरात लजीना अन और वो रास्ता कि जिन पर तूने इनामात दिए यानी कि जब उन्होंने तेरा जिक्र किया तो तूने उनका जिक्र किया जब तूने उसका जिक्र किया जब तूने उसको याद किया जैसा हुजूर ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह को याद करते हो तो अल्लाह तुम्हें याद करता है और जब अल्लाह तुम्हें याद करता है तो तुम इनाम याफ्ता लोगों में शामिल हो जाते हो जब तुम अल्लाह को याद करते हो जब तुम रब का जिक्र करते हो और जब रब तुम्हारा जिक्र करता है अपने रफी के आला में तो फिर वो तुमको इनाम याफ्ता लोगों में शामिल कर लेता है जिसके लिए तुम दुआएं करते हो कि दिन सिरातल मुस्तकीम कि हमें सीधे रास्ते पर चला सीधा रास्ता कौन सा मैंने आपको बताया लेकिन वो रास्ता कौन सा कि जो इनाम याफ़्ता लोगों का है वो जाकिरीन है वो ज़िक्र करने वाले हैं कि जो उठते बैठते लेटते अपने रब की याद में गुम रहते हैं मगन रहते हैं लेकिन हम इसकी इब्तिदा तो कर सकते हैं ना अब ज़िक्र मुख्तलिफ़ तरीके पर होता है जि जिक्र मुख्तलि तरह का होता है सबसे पहला जिक्र जो होता है वो ज़ुबान से होता है यानी दिल इब्ता में जुबान से हो रहा है लेकिन दिल गाफिल है अब हम जुबान से जिक्र कर रहे हैं दिल हमारा गाफिल है ये एक जिक्र है अच्छा उसका हमें फ़ायदा होता है क्यों फायदा होता है हम जुबान से कर रहे हैं दिल गाफिल है कोई बात नहीं इब्तदा में सबके दिल गाफिल है कोई ये नहीं कह सकता मेरा दिल बेदार है मेरा कल बेदार है इब्तदा में जुबान बेदार करनी होती है दिल गाफिल होता है कोई बात नहीं उसका फायदा होगा आपको क्यों उस जुबान से बेहतर है कि जो रब का जिक्र नहीं कर रही है उस जुबान से तुम्हारी जुबान अफजल हुई कि तुमने अलग का जिक्र शुरू किया अब तुम कितने ही गुनागार क्यों ना हो कितने ही बदकार क्यों ना हो कितने ही सियाकार क्यों ना हो अब तुम उससे अफजल हो गए कि जो तुमने रास्ता पहले चुना हुआ था तुम अब एक ऐसे मकाम असफल से मकाम आला की तरफ आ गए कि जब तुमने जिक्र शुरू किया जिक्र करने से पहले तुम मकाम असफल में थे यानी एक ऐसे मकाम में थे जो सबसे निचला मकाम था कि जिससे तुम गाफिल थे अब तुम जब असफल से आला की तरफ आए और जब तुमने जिक्र किया अभी तुम्हारा कल गाफिल गफिल है ये एक जिक्र है अब दूसरा जिक्र क्या कि तुम जुबान से भी कर रहे हो और दिल से भी कर रहे हो लेकिन दिल करार नहीं पकड़ रहा यानी कि दिल हजत में है तकलीफ में है जबरदस्ती तुम कर रहे हो दिल के साथ एक जिक्र यह है फिर तीसरा जिक्र यह है कि तुम्हारा तुम दुनियावी काम कोई भी कर रहे हो तुम्हारी जुबान भी जिक्र से है तुम्हारा कल भी जिक्र से अब उस कल्प को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा दिल को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना उसको कोई तकलीफ हो रही है ना उसको कोई भारीपन हो रहा है ना दिल उकता रहा है उससे ना दिल छोड़ रहा है उसको ना कुछ कर रहा है अपने कामों में लगे हो <laughs> लेकिन राह अमलियात हमारा आम लोगों के लिए है राह अमलियात हमारे मुरीदीन के लिए है राह अमलियात हमारे पीर भाइयों के लिए है राह अमलियात हमसे जुड़े हुए सलासिल के लोगों के लिए है राय अमलियात हमारे खानदान से जुड़े तमाम उन लोगों के लिए है कि जो मक्खियों की तरह उस नमतों के करीब आ रहे हैं और चाहते हैं कि वो हमारे ख़ानदान की नमतें समेटें बरकतें समेटें और जो रहमतें हमारे खानवादे पर हुई हैं उसमें से अपना हिस्सा लें इब्तान में हमारा जिक्र जुबान से है अब जिक्र नोट कीजिए कि हमने जिक्र क्या करना है नबी करीनूफ़ुर रहीम सरकार वाले वाले का फरमाने अली शान है आपने फरमाया कि तमाम जिक्रों में सबसे अफजल और सबसे आला जिक्र है ला लाला अब आपने बता दिया हजूर ने कि जिक्रों में सबसे अफजल जिक्र कौन सा है जो है ला इला अब आपने तरीकेकार और तरतीब नहीं बताई आपने ये बताया कि सबसे अफजल जिक्र है अब फिर आपने इसी जिक्र को मौलाया कानाथ हजरत अली ताला को खलवत में आपने इसकी तरतीब और इसकी तरीकेकार आपको बताया कि अली तुम इस तरह बैठ कर अपने रब को याद किया करो अब हम अपने राय अमलिया से राय सुलूक तक के सफर में अपनी इब्ता उस जिक्र से कर रहे हैं कि जो हमारे सलासिल में रज है जो हमारे सलासिल में मौजूद है जो हमारे खानवादे में मौजूद है जो इब्तिदान हमारे तमाम मुरीदों को तालीम किया जाता है हमारे तमाम पीर भाइयों को तालीम किया जाता है जो मियाँ हुजूर ख़ुद करते हैं और अपनी महफिल में उस जिक्र का चर्चा भी करते हैं और बाकायदा तौर पर हर महीने उस जिक्र का अहतमाम भी किया जाता है और अभी से नहीं तकरीबन 40 साल से किया जा रहा है और हमारे दादा 50 साल से करते थे और हमारे परदादा मुख्तलिफ जितनी उनकी, उनकी उम्र गुजरी जिस रस्ते पर उन्होंने अपने आप की ज़िंदगी सर्व करी उस वक्त से करते थे यानी कि अब अगर जोड़ा जाए इब्तदान से तो ये जिक्र कंटिन्यू चला आ रहा है अभी तक रुका नहीं है इसकी कड़ी नहीं टूटी है इसका सिलसिला नहीं मुनकता हुआ है ये जुड़ा हुआ है अब हमने जिक्र किस तरह करना है कैसे करना है अब ये तरतीब और ये तरीके कार समझाऊं कि हमने जिक्र करना है दो सौ मरतबा हमने पढ़ना है लाला ला। दो सौ मरतबा हमने पढ़ना है लाला ला। चार सौ मरतबा हमने पढ़ना है इल्ला 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 इल्ला। चार सौ मरतबा पढ़ना है अल्लाह 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 अल्ला। अल्लाह छे सो मरतबा पढ़ना है मैं पहले जिक्र समझा दूँ, इसकी तादाद बता दूँ, उसके बाद तरीकेकार कि किस तरह किस तरह करना है दो सौ मरतबा चार सौ मरतबा छह सो मरतबा अल्लाह अल्लाह, अल्लाह, और इसके बाद बारह सो मरतबा सलाह अली मुहम्मद सल क्या मुहम्मद ये बारह सौ मरतबा पढ़ना है और मैं समझता हूँ कि दो सौ मरतबा ला लाला चार सौ मरतबा इला छह सौ मरतबा अल्लाह अल्लाह और फिर सल्ला मोहम्मद बारह सौ मरतबा पढ़ने में आपको मुश्किल से अगर टाइम लगता है तो बीस से पच्चीस मिनट लगेंगे आपको मैंने कहा था ना कि मुझे आपका आधा घंटा एक घंटा चाहिए सिर्फ एक घंटा चाहिए और वो लोग के जो पढ़ने में थोड़ा सा सुस्त हैं थोड़ा सा धीमे पढ़ते हैं हल्के से पढ़ते हैं वो हो सकता है एक घंटे से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए और जब ये रवानी हो जाएगी ना आपकी तो यही आधे घंटे का बीस मिनट का हो जाएगा यही बीस मिनट से आपका और टाइम कम हो जाएगा दो सौ मरतबा लाला चार सौ मरतबा छह सौ मरतबा अल्लाह और बारह सौ मरतबा सहम्मद अच्छा अगर बारह सौ मरतबा सल्ला महम्मत ना पढ़ सको टाइम बहुत ज्यादा लगे तो एक तस्वीर सल्ला क्या महम्मद पढ़ लिया करो ये भी आपको मैं छूट देता हूँ सल्हु के महम्मत बारह सौ मरतबा पढ़ने में अगर टाइम लगता है और तबीयत थोड़ी सी वो हो जाती है तो एक तस्वीर सल्ला के मोहम्मद पढ़ के और फिर अपने दूसरे अमाल में दाखिल हो जाया करो क्योंकि सुबह लोगों को ऑफिस भी जाना होता है सुबह अपने काम भी करना होते हैं हमें वो भी करना है हमें अपनी बीवी बच्चों को भी पालना है जॉब पे भी जाना है बिज़नेस भी करना है सब कुछ करना है तो ये भी मेरी तरफ़ से आपको छूट है लेकिन 200 सौ मरतबा ला एल्ला में कोई छूट नहीं है इला चार सौ मरतबा में कोई छूट नहीं है अल्लाह अल्लाह छः सौ मरतबा में कोई छूट नहीं है सिर्फ़ सलील ला मोहम्मद एक तस्वीर में पढ़ोगे तो ये जिक्र मुकम्मल हो जाएगा आपका बारह सौ मरतबा पढ़ोगे तो बहुत आला हो जाएगा ठीक है समझ गए अब जिक्र की तरतीब समझ लें आपने दोनों जानू होकर बैठना है और दोनों जानू के बैठने के बाद दोनों जानू हो जाएं और दोनों जानू होकर बैठ आपने गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और गर्दन स्ट्रेट रखने के बाद आपने इस तरतीब से पढ़ना है कि आपने तस्वुर इब्तदा में परेशानी होगी लेकिन तस्वुर बाँध लेना और बाद में भी तस्वुर को हटा देना तस्वुर क्या बाँधना है आपका दूसरा घुटना आपका बाया घुटना फिर दाया घुटना फिर कंधा और फिर कल ठीक है ये تصور बना लेना कि जैसे ला ला पे हम इस घुटने पे تصور में लाएंगे ला इला पे हम बाया घुटना लाएंगे ला इला इल्ल यहाँ पे आ जाएंगे और फिर अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इस तरीके से आपने 200 सौ मरताबा पढ़ना है ऐसी कमाल की कैफियत बनेगी ना आपकी ऐसा सुरूर मिलेगा ना आपको कि आपके अंग अंग रोशन हो जाएगा आपको पता लगेगा जिक्र की हिद्दत क्या होती है जिक्र की हरारत क्या होती है जिक्र का फायदा क्या होता है और याद रखोगे कि कोई आया था जिसने हमें जिक्र तालीम किया था और जिक्र बताया था हमें इस तरतीब से अगर जिक्र तुम कर लो दो सौ मरतबा ऐसे करना है कि अब दो सौ मरतबा पूरा हो जाए थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए अपने कल पर बैठ जाए ला इला ये दो सौ हो गए उसके बाद आप खामोश होकर बैठे तस्वीर आपके हाथ में ठीक है आप खामोश हो गए हल्का सा आपने अपने गर्दन झुका के दिल की तरफ आपने बिठा के इस तरीके से बैठ गए कुछ लम्हे के लिए लाइक एक मिनट तीस सेकेंड साठ सेकेंड दो मिनट जितनी देर बैठना चाहो गर्दन झुका के बैठ लो उसके बाद गर्दन उठाना है फिर यूँ करना है ए ल यहाँ से शुरू करेंगे हम सीधे कंधे से ठीक है और तस्वीर हमारी हाथ से चल रही है ए लच्छा अब शुरू में जब बहुत ज़्यादा झूमोगे ना तुम तो हो सकता है तुम्हारे सर में भारीपन सी हो हो सकता है तुम्हें वोमिटिंग सी फील हो हो सकता है तुम्हें वो तो ज़्यादा नहीं झूमना अच्छा अगर कभी ऐसी कैफे हो ना कि सर भारी हो रहा हो सर इधर उधर हो तो फिर तुम तस्वुर में करने शुरू हो जाना कैसे ल लल्ला ए लल्ला फिर गर्दन एक जगह टिका देना और तसवुर में ए लल्ला ला अगर आपका सर भारी होने लगे क्योंकि इब्तदार में हमारा सर भारी होता था क्योंकि हमें मालूम है ना हमने किया है जिक्रिय इब्तदार में भारी भी होने लगता था सर चकराने भी लगता था तो अगर ऐसी कैफियत हो तो गर्दन को एक जगह टिका देना और तसवुर में करना इ लाला ए ला तस्वी पैरते रहना ए लल्ला ल इल्ला, 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 इल्ला। इस तरीके से चार सौ मरतब करोगे और फिर छः सौ मरतबा अल्लाह यानी कि अपनी गर्दन कल पे मारोगे अल्लाह अच्छा बाद अल्लाह अल्लाह अल्ला पढ़ते हैं। हमने अल्लाह नहीं पढ़ना हमने सिर्फ इसमें ज़ात पढ़ना है अल्लाह बस अल्लाह अल्ला अल्लाह, 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 अल्लाह। ये छः सौ बार पढ़ना है जब छः सौ बार पढ़ लोगे उसके बाद फिर गदन झुका के बैठ जाओगे फिर अलैहि सला महम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्ह महम्मद की एक तस्वीर पढ़ लेना चलो आप बारह तस्वीर हटा दो आप एक तजवी पढ़ लेना बस मेरी तरफ से तमाम मुरीदों को इजाज़त है इस चीज़ की एक तस्वीर पढ़ लेना दो सौ मरतबा ला ला चार सौ मरतबा अ छः सौ मरतबा अल्लाह और एक तस्वीर सल्ला सल क्या मोहम्मद जब ये कर लो इसके बाद एक तस्वीर मेरे कहने पर या शेख अब्दुल्क़िर जिलानी शही एक सौ ग्यारह मरतबा पढ़ लेना यह आपका पूरा एक स्टेप कम्प्लीट हो गया ये तादाद आपको मैंने बता दी और टाइम आपका बीस से पच्चीस मिनट लगेगा यानी दो दो सौ मरतबा लाइला चार सौ मरतबा अल छः सौ मरतब अल्लाह और फिर एक तस्वीर सल्ला महम्मद और जो बारह सौ मरतबा नहीं पढ़ो तो फिर एक तस्वीर आपने या शेख अब्दुल अब्दुल्कदर जलानी शहीन ये वो तरीक़ार है जो मेरा है ये वो तरीक़ेक मैंने आपको बताया है जो मेरे मामूल में, है। तो में हैं तो मेरे मामूलात में है जो एक सौ ग्यारह बार या शेख अब्दुल्किर जलानी शहीन लाला यह आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया राह अमलियात का एक स्टेप आपका मुकम्मल हो गया अब ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया अब ये जिक्र का सेक्शन हमारा मुकम्मल हो गया अब हमने की किताब बंद कर दी अभी किताब हमारी कल खुलेगी ठीक है और ये हमल हमने करना है चालीस रोज़ तक अच्छा अब चालीस रोज़ तक हमने अब इसका करना क्या होगा इस तरीके से करना है चालीस रोज़ तक हमने पाक साफ होना है नॉर्मल जो कपड़े पहनते हैं वही कपड़े पहनना है खुशबू लगाना है तस्वीर कोई सी भी ले लें जाना कोई सी भी ले लें और कोशिश करें कि वही अपने परमिनंट मुस्तकिल रखें एक ही जानमाज हो एक ही तस्वीर हो और फिर जो भी आपके ड्रेस हो पहनने का वो पहन सकते हैं अच्छा ख़वान मेरी बहनें कि अगर वो जिक्र शुरू करें पहली तारीख से सा, हमारे साथ सफर में शामिल हों और एक हफ़्ता करें उसके बाद उनको पीरियड शुरू हो जाए तो वो सब रोक दें फिर वो इंतज़ार करें अपने दिन गुजरने के जब मेरी बहनों के दिन गुजर जाएं और जब वो गसल कर लें वो नमाज़ पढ़ने शुरू करें जहाँ से छोड़ा था जितने दिन मुकम्मल हो गए थे फिर नेक्स्ट वहीं से शुरू कर दें और फिर अपने पूरे चालीस दिन उसको मुकम्मल कर लें ये मेरी बहनों के लिए है समझ गए अच्छा अब इसमें आपका कोई परहेज़ नहीं है आपका कोई परहेज़ नहीं है ये आम लोगों के लिए है ख़ास लोगों के लिए है मेरे पीर भाइयों के लिए है मेरे मुर्शिद का हुक्म है इस ज़िक्र का तो ये ज़िक्र हमारी तकदीरों को बदल देगा क्यों क्योंकि ये हुक्म हम पर था और हमारा हुक्म आप लोगों के लिए है जिक्र हो गया एक स्टेप कम्प्लीट हो गया अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप क्या है वो है हमारा पंद्रह का नक्श <coughs> पंद्रह का नक्श समझाना है ब्लैक बोर्ड पर अच्छा कैमरा फिक्स होगा अच्छा मुझे फिर कुछ लिखने के लिए दो कुछ है कि अब सबसे ज्यादा लोग तो जानते हैं देखें पंद्रह के नक्शे पी डी है तुम्हारे पास मुझे एक पेपर दे दो और वो दे दो ताकि मैं उसको समझा दूँ अब पंद्रह का नक्श वो नक्शे जो एक से लेकर नौ के अदद तक हैं हमारे आने वाले लेक्चर के अंदर मैं पंद्रह के नक्शे पूरी तफसीर बयान करूँगा आपको उसके तरीकेकार समझाऊंगा उससे काम लेने के तरीके कार समझाऊंगा उससे हर चीज में आपको बताऊंगा ठीक है बस मुझे कोई सा भी दे दो पंद्रह मैं बता दूंगा बाकी तुम इसकी पी भी लगा देना सही है थोड़ा सा पानी में पिलाना मुझे बिस्मिल अलहमदुल्लाफी या शाफी अलहमद ये नक्शे पंद्रह का ठीक है अब ये साइड वाला पोस्ट दिखाओ जरा ये देखें ये नक्शे पंद्रह है इस तरीके से लिखना है आपने ठीक है और ये देखें ये सबसे पहला खाना ये ये खाने बनाए यहाँ सात सौ छियासी लिखा ये नंबर वन आया ठीक है और नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री एक मिनट अच्छा ये देखो नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इस तरीके से लिखेंगे हम इसको अच्छा इस नश की तस्वीर मैं आपसे बयान करूँगा ठीक है इस नश के बारे में मैं आपको बताऊँगा इस नश की हकीकत क्या है और इस नश की जकात मेरे तकरीबन अगर हज़ारों की तादाद में राय हमले में लोग शामिल हैं तो आधे लोग इस नश को जानते हैं पंद्रह के नश के लेकिन जानते भी हैं जकात अदा की भी है लेकिन फिर भी वो इस रजब से दोबारा शुरू करेंगे इसकी आप लोग दोबारा शुरू करेंगे और जो लोग नहीं जानते उन लोगों को तरतीब तरीक़ेकार में समझा दिया मैंने कि रोजाना ये नक्श नौ नक्श रोजाना पैंतालीस दिन तक लिखना है कितने नौ नक्श रोजाना पैंतालीस दिन तक लिखना है अच्छा इसके तीन तरीके हैं तरीक़ेकार तो बहुत हैं लेकिन मैं बता देता हूँ आपको नौ नक्श रोजाना पैंतालीस दिन तक भी लिखा जाता है पंद्रह नक्श रोजाना पैंतालीस दिन तक भी लिखा जाता है पैंतालीस नक्श रोजाना नौ दिन तक भी लिखा जाता है पंद्रह दिन तक भी लिखा जाता है लेकिन हम जो करेंगे हम एक से लेकर नौ तक ये अदद हैं अच्छा ये अब वो अदद हैं ये हमारा दूसरा स्टेप शुरू हो रहा है दूसरा स्टेप जो शुरू हुआ ये है हमारा कौन सा यानी कि इल्म इल्मात के वो रास जो एक से लेके नौ के अदद तक पोशीदा हैं हम आने वाले लेक्चरों में उसके रासों को जानेंगे और एक से लेके कर पंद्रह एक से लेके कर नौ के जो अदद हैं इसके जो नौ के जो खाने हैं अब हम इस नश की ज़क़ात नौ नक्श रोज़ाना पैंतालीस रोज तक लिखेंगे लिखने के लिए आप ये पेंसिल से लिख लें आप ये पेन से लिख लें आप ये बॉल पेन से लिख लें आप ये मार्कर से लिख लें जिस तरीके से चाहे आप उसको लिख लें मेरी तरफ़ से आपको इसकी इजाज़त है नौ नक्श रोज़ाना पैंतालीस रोज़ तक लिखना है आसानी से के साथ अच्छा जब आप ये नक्श लिख रहे होंगे हमारे आने वाली क्लासेस होंगी लेक्चर होंगे मैं फिर आपको पंद्रह के नक्श की खसूसियत बताऊँगा पंद्रह के नक्श के फ़ायदे बताऊंगा, पंद्रह <CKKų> के नश से काम लेने के तरीके समझाऊंगा। अच्छा पंद्रह के नश के जरिए हम बीमारों का इलाज किस तरह करेंगे पंद्रह के नश के ज़रिए हम जादू का इलाज किस तरह करेंगे पंद्रह के नश के ज़रिए हम अपने मसाइल का हल किस तरह निकालेंगे पंद्रह के नश के ज़रिए हम लोगों के काम किस तरह करेंगे अब मिसाल के तौर पे अलहमदिल्ला मेरे मुरीदों में मेरे शागिदों में ऐसे भी लोग शामिल हैं जो बड़े बड़े सिलसिले चला रहे हैं कि जिनके हज़ारों की तादाद में मुरीदीन मौजूद हैं और माशाला पंजाब की बड़ी गद्दियाँ हैं हिंदुस्तान की बड़ी गद्दियाँ हैं और दूसरे ममालिकों के बड़े बड़े गद्दियाँ हैं जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग शामिल हैं तो मैं किसी का भी नाम नहीं लेता और न ना मैं नाम लूँगा उनका मैं किसी का नाम नहीं लेता ये सिर्फ मेरा और अल्लाह का मामला और उन बंदों का मामला है और ये अच्छी बात है देखो एक बात याद रखना हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि इल्म तुम्हारी विरासत है तुम्हारी मिरास है इसे जहाँ से मिले तुम ले लो तुम ये ना देखो कि तुम बूढ़े हो तुम्हें क्या ज़रूरत है अब नहीं इल्म की ज़रूरत रूहानियत की ज़रूरत राय अमलियात की ज़रूरत तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हें ज़रूरत है क्योंकि तुम कामिल मुकम्मल नहीं हो सकते हरगिज़ ये एक ऐसा रास्ता है और जो शख्स ये कहे कि मैं कामिल हूँ समझ लेना उसकी इब्तदा भी अभी नहीं हुई उसकी इब्तदा भी अभी नहीं हुई क्योंकि इस रस्ते में कोई कामिल नहीं हो सकता क्योंकि ये वो रूहानियत का रास्ता है कि जिसमें कामिल अकमल मुकम्मल जात सिर्फ और सिर्फ एक ही की है जो महबूब है बाकी किसी की जात मुकम्मल नहीं है इस राय रायसलूक में तो पंद्रह के नक्श में हम फिर काम लेने के तरीके कार जानेंगे किस तरह काम किया जाता है और फिर इसके अंदर जो नौ खाने हैं पंद्रह के नक्श में नौ खाने हैं तालुक, हर खाने का ताल्लुक़ हर खाने का मौकल, हर खाने का ऐवान हर खाने में जो फरिश्ते हैं हर खाने पे मामूर हिफाजत में जो फरिश्ते हैं हर खाने पे मामूर जो जिन्नात हैं हर खाने पे मामूर जो इसके मौकलान हैं मैं उसके बारे में बताऊंगा, उनसे उनसे काम लेने के तरीक़ेकार समझाऊंगा, कि कौन सा खाना किस काम के लिए अब जैसे मिसाल तुम किसी का जादू उतार करते हो तो कौन सा खाना संभाल करोगे तुम किसी के लिए काम करते हो कोई कोर्ट केस में फंसा हुआ है कोई दूसरे मामला में फंसा हुआ है तो कौन सा खाना इस्तेमाल करते हो तो उसको जल्दी फ़ायदा होगा अगर मिसाल के तौर पर किसी की बीवी रोड के चले गई हो तो कौन सा खाना इस्तेमाल करोगे किसी का बच्चा भाग गया हो तो किस तरीके से बुलाओगे किसी कोई शख्स तुम्हारा कर्ज़ा ले लिया हो तुमने कर्ज़ा दिया हो वो पैसे ना दे रहा हो वो भाग गया हो पैसे लेके तो कौन से खाने के जरिए हम उस बंदे को बुलाएंगे मैं सब इस नक्शे पंद्रह के जरिए आपको समझाऊंगा आपको सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा आपने करना कुछ भी नहीं होगा आपने सिर्फ नक्श लिखना है अपनी जक़ात अदा करनी है और जो तरीक़ेकार मैं आप लोगों को बताता रहूँ समझाता रहूँ आपने अपनी डायरी में नोट करते रहें और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पंद्रह के नक्श के जितने तरीक़ेकार समझाए हैं और अपने अमलियात के अंदर रहा अमलियात और इसके अलावा जो मेरे अमलिया का सुल्तान एपिसोड रहा है और जो मेरा सफीना निजातलमसाइल रहा है मेरी तरबियती नशस्तें रही हैं मैंने जितने भी तरीक़ेकार लोगों अलहम्दुलिल्ला, अलहम्दुलिल्ला, को बताए अलहमदल अलहमद हर शख्स को उससे फ़ायदा हुआ है हर शख्स ने अपने मतलब का कुछ ना कुछ उससे सीखा है और लोग हमारे साथ जुड़े हैं एक पूरा कारवां बना है एक पूरा तो पंद्रह के नश की हम जक़ात अदा करेंगे अच्छा ये तीन महीने ये समझ लो कि तुम्हारी ज़िंदगी है ये तीन महीने ज़ाया नहीं करना बाकी हर महीने ज़ाया कर देना ये तीन महीने ज़ाया ना करना कोशिश करना कि तीन महीने अपने आप को मखसूस कर दो कि जैसे लोग रमजान के आखिरी शक में अहतकाफ़ में बैठ जाते हैं ना पूरे दुनिया से काफ़ी लोग कर सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी तरीके से मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ दो आप सब कुछ करो लेकिन इन तीन महीनों को जाया ना करना कम अज कम ज़ाहरी एतकब जरूर करना ज़ाहरी एतकब से मुराद कि इससे गाफिल ना होना पहला स्टेप जिक्र वो मुकम्मल हो गया उसके बारे में समझा दिया उसके फायदे में ना आपको बता दिए कि उसका क्या फ़ायदा होगा दूसरा आपका जो पंद्रह का नशे है पंद्रह के नशे ज़ आपने नौ नक्श रोजाना लिखना है पैंतालीस रोज तक ठीक है अब जब आप ये काम कर रहे होंगे मेरे लेक्चर आ रहे होंगे फिर मैं ज़ूम पर क्लास लूँगा अब ज़ूम पर मैं किस दिन क्लास लूँगा क्या टाइमिंग होगी किस वक्त आप मुझसे जुड़ेंगे फिर वो आपको टाइम ड्यूरेशन आपको बताया जाएगा किस थ्रू आपकी रजिस्ट्रेशन के थ्रू यानी कि जिन जिन लोगों ने फॉर्म जमा करा दिए हैं जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई हैं जिन लोगों को मैसेज आ गए कॉन्ग्रेचुलेशन के फिर उनको पर्सनली मैसेज जाएंगे उनको पर्सनली मैसेज जाएंगे हमारी टीम की तरफ से कि उनको तरीका समझाया जाएगा कि आपने ज़ूम को किस तरह ज्वाइन करना है आपने जूम को किस तरह ज्वाइन करना है आपको वो तरीक़ेकार समझाया जाएगा उसके बाद फिर आपकी क्यूने क्लास होगी उस क्यूने क्लास के अंदर आप मुझसे पूछेंगे सवालात मैं दूंगा उनके जवाब और फिर उसी ज़ूम की क्लास में कुछ देर के आपके लेक्चर भी होंगे पंद्रह के नश की तस्वीर भी होगी इसके तरीक़ेकार भी समझाऊंगा काम लेने के तरीक़ेकार भी समझाऊंगा और फिर ज़िक्र के बारे में भी बताऊंगा समझाऊंगा ये हमारे दो स्टेप हैं जो हमारे मुकम्मल हुए ठीक है पहला स्टेप ज़िक्र कंप्लीट दूसरा स्टेप हमारा पंद्रह का नक्श कंप्लीट। अब इस पंद्रह के नक्श में आतिशी कौन से हैं, बादी कौन से हैं आबी कौन से हैं, खाकी कौन से हैं? ये तो चार चाले हो गई इसकी लेकिन इन चार चाले के अलावा पांच चाले और भी मौजूद हैं जिससे लोग काफिल हैं क्या पांच और हैं इसके अलावा यानी कि चार तो जाहिर ही है जिसको हर शख्स जानता है लेकिन पांच बातनी है जिसको कोई नहीं जानता वो जानता है कि जिसने अपने बुजुर्गों की सोबत ली हुई होती है कि जिसने अपने बुजुर्गों से सीखा हुआ होता है कि जिस पर कर्म हो फिर वो जो पांच खाने हैं वो जो पांच चाल हैं फिर मैं उसकी तरतीब तरीके कार भी समझाऊंगा अच्छा ये भी बताऊंगा कि अगर वो पांच चाले जो पोशीदा हैं वो क्यों हैं उसकी वजह क्या है वो जाहिर क्यों नहीं है उसकी अहमियत क्या है क्या हजरत सुलेमान सलाम की अंगूठी पर जो नक्श तहरीर था कुंदा वो यही नक्श था या फिर वो दूसरी चाल का था जिसको पोशीदा कर दिया गया क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि वो ऐसी चालें हैं कि जो बरहना तलवार हैं कि अगर किसी के हाथ में दे दी जाए तो हो सकता है उसका भी हाथ थोड़ा जख्मी हो जाए लेकिन सामने वाले का काम पूरा होगा और याद रखना कि पंद्रह के नक्श लिखने वाला पंद्रह के नक्श का आमिल कभी शिकस्त नहीं खाता किसी जादूगर से कभी शिकस्त नहीं खाता शयातीन से कभी शिकस्त नहीं खाता जिन्नातों से कभी भी वो जमीन पर नहीं गिरता इस मामूलात में जो राह अमलियात की दुनिया है पंद्रह की नश जक़त अदा करने वाला कहते हैं कि जो लक्ष पंद्रह के नश की अदा कर लेता है पंद्रह के नश को सही तरीके से समझ लेता है जान लेता है तो आपके सर के बाल से लेके आपके आपकी पेड़ के नाखून तक आपके सर के बाल से लेके पैर पेड़ के नाखून तक का तमाम चीज़ों का हल और तमाम चीज़ों काम इस पंद्रह के नश में महफूज है पोशिदा है यानी यहाँ तक कहा जाता है कि जो असमाय हजरत आदम सलाम को तालीम हुए थे जो इसम हजरत आदम सलाम को अल्लाह तबार ने अता किए थे उन इसम का इल्म भी इस पंद्रह के नक्श में मौजूद है यानी कि इब्तदा भी और इंतहा भी अब बताएं कि जब इतना कुछ इस नक्श के अंदर मौजूद होगा इतना कुछ इस नक्श में मौजूद होगा तो वो शख्स कभी शिक्ष खा सकता है इसको नक्शे आदम भी कहा जाता है इसको नक्शे हवा भी कहा जाता है इसको नक्शे सुलेमानी भी कहा जाता है इसको नक्श हरकारा भी कहा जाता है इसको नक्श हयात भी कहा जाता है और इसको नक्श आज़म भी कहा जाता है कि तमाम नकुश की ताकत कुवत, रूहानियत जितने भी नकुश हैं उन सब की एक तरफ और इस नक्श हरकारा इस नक्श पंद्रह के नक्श एक तरफ समझ लो कि दोनों का वजन बराबर है इसका हो सकता है ज्यादा यानी कि जितने भी तावीज़ात हैं जितने भी नकुश हैं जो कुछ है वो सब एक तरफ और ये नक्श एक तरफ और ये नक्श वो है कि जो मैंने खुद हजारों नहीं लाखों की तादाद में लिखे हैं और मियाँ हुजूर खुद फरमाते हैं कि उन्होंने ये नक्श लाखों लिखे हैं लाखों और यही नक्श हमारे ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब यानी कि हमारे वो दादा मियाँ के जिनका ताल्लुक खानदान मदारिया से था शतारिया से था कि जो हमारे मुर्शिद के सबसे पहले मुर्शिद थे हजरत सयदना ख्वाजा

यहाँ तक के मियाँ फरमाते हैं हजरत सईदन मूसा हाशमी रमत की जो रूहानियत थी ना वो इस पंद्रह के नक्श पर थी कि जिनको अवेसी फैज मिला था अच्छा इस नक्श की रूहानियत यानी कि अगर देखा जाए ओलिया कराम की जो विलायत होती है ना ओलिया कराम को जो विलायत मिलती है जो सबसे विलायत आला होती है कहते हैं कि वो भी किसी न किसी इसम किसी न किसी होर, किसी न किसी एक ऐसी इसमें आजम पर मुशमिल होती है जिसका तसरफ उसको दिया जाता है तो बाज़ आलम दीन बाज उलमाय कराम की जो विलायात है वह पंद्रह के नक्श पर है कि जैसे हजरत इमाम गजाली रहमत जैसे हजरत इमाम गजाली रहमत आल जैसे हज़रत सईद हजर सैदिन शाह मुहदस दहलवी रहमत ने भी इसके बारे में बहुत लिखा है हिंदुस्तान के बड़े बड़े वो नाम के जिनके तसरफ आज भी हिंदुस्तान में कायम है जिनके फयोजा जिनकी बरकत है, आज भी हिंदुस्तान में कायम है लेकिन अफसोस उन लोगों पर जो उनके फैज से महरूम रहे लेकिन वो मौजूद आज भी हैं उनका फैजान आज भी मौजूद है उनका इरफान आज भी मौजूद है उनकी रूहानियत आज भी मौजूद है कि जिनकी विलायतें पंद्रह के नश पर कायम है पंद्रह के नश को आप समझते क्या हो ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है ये सिर्फ अदद नहीं है ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं जी जब पंद्रह के नश की तस्वीर सुनोगे ना फिर आपको पता लगेगा कि यार डॉक्टर साहब ने तो हमें समझ लें कि कुल जहान दे दिया अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है पंद्रह गिन डॉक्टर साहब ने ऐसा तालीम किया हमें ये आपका दूसरा स्टेप चल रहा है अभी यानी आपके पास कोई आता है आपने नश लिख के दे दिया कोई बीमार आता है नश लिख के दे दिया कोई नज़र बदाल आता है नश लिख के दे दिया कोई काम से आता है उसको नश् लिख के दे दिया कोई किसी मरीज़ के लिए आता है आपने उसको नश लिख के दे दिया लो जी आपके पंद्रह गस से आपके तमाम काम हो गए ये हमारा है दूसरा स्टेप रहा अमलियात में राय अमरियाज से राय सलूक के सफर में यानी कि पहला हमारा जिक्र हो गया दूसरा हमारा कौन सा हो गया कि जो पंद्रह का नाश है अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे स्टेप पर तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा एक ऐसा अमल के जो दरवाजे रोशन करेगा आपके बातिन के जो दरवाजे रोशन करेगा आपके हवा से खमसा के जो रोशन करेगा आपके बातिन को जो रोशन करेगा आपके कल्ब को और जो हर मसाइल से आपको देगा निजात और बिलखसूस उन लोगों के लिए बिलखसूस उन लोगों के लिए कि जो रूहानी मालज हैं जो लोगों का इलाज करते हैं जो लोगों का इलाज व मुआलजा करते हैं उन लोगों के लिए ये अमल आम लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं आम लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं आम लोग इससे फ़ायदा क्या उठा सकते हैं अब जैसे मेरे साथ माशा हज़ारों लोग शामिल हैं अब हज़ारों तो काम करने वाले नहीं होंगे ना अब मुश्किल से काम करने वाले सिलसिले से जुड़े हुए एक हज़ार लोग होंगे बाकी एक हज़ार जो लोग हैं वो आम लोग हैं तो वो आम लोग भी अपने मसायल इस अमल के जरिए छुटकारा पा सकते हैं यानी जादू का, का खात्मा शयातिन का खात्मा हासीदिन का खात्मा जादूगरों का खात्मा हर किस्म के नज़रबद का खात्मा रिक्स में खैर बरकत कारोबार में तरक्की किसी को सज़ा देना किसी को आजमाइश में मुबतला करना किसी बीमार को ठीक करना किसी के जादू का उतारा करना अमलियात का उतारा करना किसी के ऊपर खबीस है तो उसका उतारा करना किसी के ऊपर जिन्नात है तो उसका उतारा करना जिन्नात है तो उसको बुला के हाजिर करना उससे बात करना उसको बुलाना उसको क़ैद करना उसको भगाना मर्ज़ की तशखीस करना ये सब कुछ इस अमल से मुमकिन है क्यों क्योंकि ये ऐसा अमल है कि ये पहले ही दिन से पढ़ने में रख के आपके अंदर जो कैफियत पैदा होती है ना कि जो अपनी मिसाल आप होती हैं पहला स्टेप ज़िक्र मुकम्मल, दूसरा स्टेप नक्श पंद्रह मुकम्मल तीसरा स्टेप राह अमलियात का सबक सबसे पहला सबक है आपका ये जो राह अमलियात में आपने रजब की पहली तारीख से शुरू करना है अब वो लोग जो इस अमल को शुरू करेंगे देखो अब मेरे साथ चलने वाले लोग दो तरह के हैं एक वो लोग परहेज के साथ इस राय सफ़र में शामिल होंगे अब वो लोग तरके जलाली भी करेंगे वो लोग तरके जमाली भी करेंगे वो लोग तरक बिलजात भी करेंगे वो लोग रोज़ा भी रखेंगे अच्छा अच्छा बाद लोग परहेज़ करेंगे लेकिन रोज़ा नहीं रखेंगे हमारे यहाँ इस सिलसिले में शामिल दो किस्म के लोग हैं पहले लोग वो जो परहेज़ करेंगे हर किस्म का और अगर वो चाहें उनको छूटे रोजा रखें और चाहे रोजा ना रखें वो उनकी मर्जी है दो किस्म के लोग हैं पहले किस्म मैंने क्या बताया आपको वो लोग के जो परहेज करेंगे तरक जलाली भी तरके जमाली भी तरक बिलजात भी, भी और तीसरा ऑप्शन इनका यह है कि वो रोजा रखें या रोजा ना रखें अब दूसरी किस्म के लोग हमारे वो हैं कि जो परहेज नहीं कर सकते जो परहेज नहीं कर सकते जिनको सफ़र भी करना होता है कि जिनको आना जाना भी होता है कारोबार के सिलसिले में बाहर भी निकलना होता है बीमार भी होते हैं अब वो उम्र भी नहीं रही कि वो परहेज करें कोई शुगर का मरीज़ है कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है कोई हार्ट का मरीज़ है किसी ने दवाएं भी दूध के साथ खाना होती हैं किसी ने डोज भी दूध के साथ लेना होती है किसी ने दही भी खानी होती है किसी ने अंडे भी लाजमी खाने होते हैं किसी को प्रोटीन भी चाहिए होती है तो इसलिए दो किस्म के लोग एक जो मुकम्मल होके चलेंगे दूसरे जो परहेज़ नहीं करेंगे अच्छा जो परहेज नहीं करेंगे उनके लिए कोई ख़तरे की बात नहीं है उनके लिए कोई नुकसान की बात नहीं है उनके लिए कोई किसी किस्म की बात नहीं है वो बिल्कुल तरीके से जिक्र करेंगे नशी जकवात अदा करेंगे और ये अमल मेरे साथ पढ़ेंगे अब अगर जो लोग मुकम्मल परहेज के साथ करेंगे अब जैसे मिसाल के तौर पे इस अमल से जो अमल में आपको तालीम करूंगा उससे आपको दस फायदे पहुंचेंगे कितने आपको दस फायदे पहुंचेंगे लेकिन वो लोग के जो अमल जो परहेज नहीं करेंगे उनको सिर्फ दो फायदे पहुंचेंगे वो आठ से महरूम रहेंगे लेकिन फायदे जरूर होंगे उनको जो लोग परहेज नहीं करेंगे उनको फायदा होगा उनको दो तीन चीजों में फायदा होगा और जो परहेज़ के रहा करेंगे उनको पूरी पूरी दस की दस नियमतें मिलेंगी यानी कि जो परहेज़ नहीं करेंगे उनको दो चार नियमतें मिलेंगी और जो परहेज़ करेंगे मुकम्मल उनको पूरी दस की दस मिलेंगी समझ गया इस तरीके से तो इसलिए परहेज अगर करोगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जब रजब शाबान रमज़ान वैसे तो खैर अमूमन हम पूरे सालों परहेज रहा करते थे लेकिन जब हमारे परहेज़ खुल गया था उसके बाद गाय गाय हम जब परहेज करते थे तो रजब शाबान और रमजान में किया करते थे अब वो अमल क्या है अमल नोट करें अमल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है बसमिल्लर या जिब्राइल या दरदाइल या रफ्तमाइल या तनकफ़ी भाग्य व इन ज़ादल क़रु लुजली कौन का भिमा सारिम लमासमी और ज़िक्र व यक़ूल आलमीन ला ला इस सूरह कलम की आखिरी आयतें ठीक है ठीके? आलमीन कुल्लु खन्नास व अबलीसा व हारूत व मारूथा व इफ़रत व ता वह हमजात व बलियात व्ल्ल्ल्ल्ल्लु अमराज व सहर साहरान रद्दा व हाशिदान रद्दा व बािलान रद्दा, लमान रद्दा, काफिर रद्दा, बक्स सुलेमान बिन दाऊदल बक्ल महमदरसूल ये अमल है इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड कर दूँगा ताकि आपके सुनने में आपको परेशानी ना हो आप सुन के भी पढ़ सकते हो देख के भी पढ़ सकते हो और बोल के भी पढ़ सकते हो उसको ये अमल अभी आपके पास टाइम है इस अमल को अभी आप याद भी कर लें और इस अमल को अभी पढ़ना शुरू करें ताकि ये अमल आपकी रवानी भी हो जाए और आपको ये अमल याद भी हो जाए अच्छा अब वो लोग के जो परहेज़ नहीं करेंगे जो परहेज़ नहीं कर सकते वो इस अमल को सिर्फ़ और सिर्फ़ चालीस मरतबा पढ़ेंगे चालीस रोज़ तक सुन लो तवज्जो के साथ आप लोग कि जो परहेज नहीं करेंगे वो चालीस मरतबा रोजाना पढ़ेंगे चालीस रोज तक और जो मेरे साथ पूरे अहतमाम के साथ चलेंगे पूरे परहेज के साथ पढ़ेंगे वो एक सौ ग्यारह मरतबा चालीस रोज तक पढ़ेंगे इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छा रात का ये अमल होगा आपका रात को आपने ये अमल शुरू करना है रात को यह अमल पढ़ना है और सब ने यही अमल पढ़ना है अच्छा इसके अलावा अगर कोई शख्स कहता है कि मैं सुर मुजम्मिल शरीफ पढ़ता हूँ उसकी मर्जी है पढ़े मेरी तरफ तो से इजाज़ है कोई मना नहीं है कोई शख्स कहता है मैं सूर्य कुश पढ़ता हूँ ठीक है पढ़े सूर्य कुरेश मुझे कोई हज नहीं है कोई कहता है मैं नादेली पढ़ता हूँ हाँ नादेली पढ़े कोई मसला नहीं है लेकिन अगर हमारे साथ इस राय सफ़र में शामिल है अपना वो जो कुछ भी पढ़ता हो चाहे वो एक घंटे का पढ़ता हो दो घंटे का पढ़ता हो तीन घंटे का पढ़ता हो पांच घंटे का पढ़ता हो वो पढ़े हमारी तरफ से कोई इंकार नहीं है कंटिन्यू जिस तरीके से करता वह उसको करता रहे उसके अलावा कोई टाइम मखसूस रख के इस अमल को मुकम्मल कर ले ये तीसरा स्टेप है अच्छा अब आप ये भी कर सकते हो कि आपकी जो तीन स्टेप हैं आप जिक्र किसी भी टाइम कर सकते हो यानी कि एक शख्स एक साथ टाइम नहीं दे पाता समझिएगा तो वो जिक्र फजर के बात कर ले नक्श शाम में लिख ले पढ़ाई रात में कर ले ऐसे भी इजाजत है मेरी आम लोगों को इस तरती से भी इजाजत है कि आप अपने कामों को अपने तीन स्टेप को तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हो यानी कि जिक्र आपने एक टाइम पे कर लिया ठीक है दूसरे टाइम पे आपने नक्श लिख लिया तीसरे टाइम पे आपने ये अमल पढ़ लिया लो जी आपका एक दिन मुकम्मल हो गया एक तारीख मुकम्मल हो गया याद रखना कि जो लोग शुरू करेंगे फिर वो गैप नहीं करेंगे चाहे शादी हो बिया हो निका हो मेहंदी हो माइयो हो तूफान हो आंधी हो कुछ भी हो फिर करना ही करना है ये इसको तीन हिस्सों में भी आप कर सकते हो और एक हिस्से में भी बैठ के तीन को एक डिशेज में मुकम्मल कर सकते हो मेरी तरफ से आपको ये इजाज़त है ये छूट है लेकिन सबसे बेहतरीन और सबसे आला तरीके कार वही है जो मैंने आपको समझाया कि आप बैठें जिक्र करें नश लिखें और फिर उसके बाद आप अपना ये अमल पूरा मुकम्मल कर लें अमल ये याद रखना ये अमल आपने पढ़ना है अच्छा याद रखना कि हर मंडे एवरी मंडे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 से 11 आपकी क्लासेस होंगी आपके लेक्चर होंगे राह अमलियात के अच्छा ये तीनों चीज़ें मैंने स्टेप आपको मंडे को बता दिया क्योंकि अभी चांद होने में हमारे चार पाँच दिन बाकी हैं इसलिए ताकि चार पाँच दिन पहले आपको सबक मिल गया आप सबक याद कर लेंगे और आप सबक को कर लेंगे अपना जहन बना लेंगे अपना टाइम देख लेंगे फिर आपने यकुम रजब से इसको प्रॉपर शुरू करना है परहेज़ के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो आपके पास तीन दिन मौजूद हैं यानी कि आज पीर है आज आप लाइव देख रहे हो मुझे लाइव सुन रहे हो पीर है आज और फिर कल मंगल है परसों बुध है हो सकता है किसी के जुमरात को हो जाए हो सकता है किसी के जुम्मे हो जाए तीन दिन सबके पास हैं अभी इस वक्त आज पाकिस्तान के अंदर चांद की 25 तारीख लग चुकी है पच्चीस सारी लग गई तो पाँच दिन है पाकिस्तान में अगर तीस का चांद होता है तो और अगर उनतीस का चांद होता है तो चार दिन मौजूद है अगर बाहर मुल्कों के साथ देखा जाए तो तीन दिन तो हर हाल में ही मौजूद है समझ गए ये अमल आपने याद कर लो इसको रनिंग में कर लो इसको प्रैक्टिस में लिया और रवानी में ले लो इसको पढ़ना शुरू करो उसको याद कर लो अब देखो इस अमल का सबसे तो बड़ा फ़ायदा क्या है कि या जबराइल या दर्दायल या रफ्तमायल या तनकफ़ील बहक् व इन जक़ादी कफरु ये वो आए थे जो सूर कलम की आखिरी आयत है और सूर कलम की आखिरी आयत ये वो आए थे कि कहते हैं इसके बारे में अलिया कराम कि ये तब नाजिल हुई कि जब सरकार दोआलम सल वसम पर नज़र बद लगाई गई थी तब ये आयत नाजिल हुई थी यानी कि ये नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए है इस आयत को अगर देखा जाए इस आयत की रूहानियत को अगर देखा जाए तो ये हर किस्म की नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती है ये आयत उसको फना कर देती है जला देती है उसको और नेगेटिविटी वो हो जो नजर बद की हो या हसीदीन की हसद की हो या काफ़िरों की हो या जालिमों की हो या बातिल की हो या जादूगरों की हो किसी की भी हो खत्म कर देती है ये इस आयत की एक ख़ास तासीर ये है कि इस आयत के ज़रिए मैंने काफ़ी लोगों के उतारे किए हैं सबसे पहले हांडी वाले अमल का जब मैं उर्जू ने मुझे तालीम फरमाया था तो इस अमल जो सूर्य कलम की जो आखिरी आयत है ना इसके ज़रिए हांडी के अंदर मैंने जलाया था शैत जिन्नात को तब यह अमल मुझे तालीम हुआ था सूर्य कलम की आखिरी आयत का अमल तब मुझे तालीम हुआ था आज से बीस साल पहले आई ना बस समझ में अब ये अमल क्या कि जब ये आयत हम पूरी मुकम्मल करते हैं इला इला जिक्र आलमीन ना कुल्लु खननाश है यानी हर किस्म के खननास यानी जो शैतान की जरूरीत है जो शैतान हैं जो वसवसे हैं जिनका ताल्लुक हमारे सीने से जो एक वसवसा पैदा करते हैं यानी कि लोगों के दिलों में एक नुक्स डालते हैं एक नुक्ता डालते हैं कुल्लु खन्ना से इबलीसा यानी शैतान व हारूता था व वो जादू के जो वहाँ से चला था उस जादू को ख़त्म करते हैं और वह इफरीत वह तागूत इफरीत यानी खबीस जिन जो खबासत में हस से बढ़ जाए उस जिन्नात को इफरीत कहा जाता है जो शैतान जिन अपनी ख़बासत में हस से तजावस कर जाए हस से गुजर जाए हस से बढ़ जाए उसको इफरीत कहा जाता है वह ताबूत यानी कि वह कुतें वो, वो शैतानी क़ुतें जो अंधेरे में जाहिर होती हैं उनको तागूत कहा गया है वह हमाजात हमाजात के बारे में आप जानते हो वह बलयात कि वह बलाएं जो इंसान को घेरे रखती हैं वह बलाएँ जो हम पर नाजिल होती हैं वो बलाएँ जो इन ताबूती कुतों के जरिए होती हैं वो बलाएं जो इन खन्नास की तरफ से होती हैं वो बलाएँ जो इफ्लीत की तरफ़ से होती है वो बलाएँ जो जादू की तरफ से होती हैं वह कुल्ले अमराज यानी कि हर किस्म का मर्ज़ अब वो मर्ज़ जो ज़ाहरी हो जो बातनी हो किसी भी किस्म का अमराज हो यानी कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जितने भी मर्ज़ इसके अंदर मौजूद हैं वह सहर व साहिरा रद्दा यानी कि जादू और जादूगर जदा वह हासीदा ने रद्दा यानी कि हर चीज को रद्द कर दे खत्म कर दे मिटा दे सोखता कर दे जला दे फना कर दे रद्द कर दे इसका नाम और निशान मिटा दे वो कुत वो रेस वो नेगेटिविटी जो तुम बना दिल होती है वह जुल्मा रद्दा ये जो जालिमों की तरफ से है उसको रद्द कर दे जो काफिरों की तरफ से है उसको ख़त्म कर दें उसको रद्द कर दें जो बातिल की तरफ से है उसको रद्द कर दें उसको ख़त्म कर दें जो हाशिदीन की तरफ से है उसको रद्द कर दें उसको ख़त्म कर दें और जो जादूगरों की तरफ़ से है उसको रद्द कर दें उसको ख़त्म कर दें ब सुलेमान बिन दाऊद बहम्मद रसोल्ला यानी कि ये अमल वो है कि अब देखो इसमें सब कुछ आ गया हर वो कुछ आ गया जो इस दुनिया में आपके साथ जुड़ा हुआ है यानी कि आप इस दुनिया में पैदा हुए और पैदा होने के बाद जितनी चीजें आपसे जुड़ी हुई हैं उनका ताल्लुक इन तमाम से है उसका कहीं ना कहीं से ताल्लुक कहीं ना कहीं से लिंक जुड़ा हुआ है और बकायदा तौर पर ये अमल राय अमलियात में हर उस चीज़ को ख़त्म कर देता है रद्द कर देता है उसको बर्बाद कर देता है जो हर किस्म की नेगेटिविटी होती है ये अमल शामल है हमने क्या करना है जो लोग परहेज़ करेंगे वो एक सौ ग्यारह मरतबा चालीस दिन मुकम्मल करेंगे और जो परहेज़ नहीं करेंगे जो आम लोग हैं अपने मसाइल के लिए हैं तो वो चालीस बार रोज़ाना पड़ेंगे अच्छा वो लोग भी हैं कि जो लोग रूहानी मौलज हैं लेकिन उनके बाद मरीज़ हज़ारों की तादाद में आएँ उनके मुरीदिन हज़ारों की तादाद में लेकिन अब वो इस उम्र में हैं कि वो परहेज़ नहीं कर सकते तो मेरी तरफ से उनको इजाज़त है उन लोगों को इजाज़त है कि जो लोगों का इलाज और मौलज, मौलजा करते हैं कि वो चाहें तो चालीस मरतबा बग़ैर परहेज़ के पढ़ लें या चाहें तो एक सौ ग्यारह बार कर लें उनको पूरा फ़ायदा होगा बिलखसूस उन लोगों को कि जो सिलसिले से जुड़े हुए हैं जो खान वादे से जुड़े हुए हैं उन लोगों को फायदा होगा इस अमल से मेरी तरफ से आप लोगों को इसकी आम इजाजत है आज राह अमलियात का पहला एपिसोड आपने सुना आपने देखा आपने याद किया आपने अपने पास लिख लिया यानी कि मुख्तसर नोट्स बना लिए जो आपकी ज़रूरत है अच्छा अब सवाल मुझसे ये ना करना कि गुसल करके बैठना है, आराम मानना है क्या करना है क्या नहीं करना जैसा आपको आसानी हो वो करना तरतीब और तरीक़ेकार समझा दिया मैं अपना अगर तरीक़ार बताऊँ ना कि जब मैं इब्तदाई वक्त में जिक्र जब करता था ना तो ना तो पंखा चलता था ना कोई लाइट जलती थी न कुछ जलता था बस एक चिराग की रोशनी होती थी उसके अंदर जिक्र करता था उसमें नक्श लिखता था उसमें अमल करता था और उठ के फारिग होकर बाहर आ जाता था यानी कि एक छोटा सा हुजरा था छोटा सा कमरा था तो तकरीबन अगर देखा जाए तो छः फिट लंबा और चार फिट चौड़ा हो या इससे भी कम हो कि पैर भी पूरे नहीं फैला सकते थे उसमें सामान भी होता था कि उसी में चिराग की रोशनी होती थी उसी में बैठ के जिक्र करते थे जिक्र की कैफियत ही अलग बनती थी उसकी अब मेरी तरफ से आपको इजाजत है आप, आप चिराग जला के भी कर सकते हो अब यह ना पूछना कि कैंडल जलाना है कितनी बड़ी कैंडल होनी चाहिए रोशनी कितनी होनी चाहिए बल्ब जला लूँ नाइट बल्ब लगा लूँ भाई अल्लाह के वली जैसे करना चाहो कर लेना रोशनी में भी कर लेना चिराग की रोशनी में भी कर लेना बल्ब की रोशनी में भी कर लेना लेकिन अल्लाह के वास्ते कर लेना बस क्योंकि इस तीन महीने में आप वो कुछ सीखने वाले हो जो आप और आपके आने वाली नस्लों के लिए काफी होगा इंशाल्लाह यानी कि इस तीन महीने में मैं तीस साल की रियाजत आप पर निछावर कर दूंगा बोलेंगे, आप बोलेंगे डॉक्टर साहब तो पच्चीस साल हो गए पांच साल कहां से आ गए मैंने तीन महीने की निस्बत से जोड़ा है और तीस साल गया ये समझ लो कि आप तीन सौ साल में भी वहां तक नहीं पहुंचते अगर आप ना जुड़ते तो राह अमलियात का पहला एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँचता है एक दफ़ा मैं फिर आपसे कह दूँ कि यूट्यूब पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात दस से ग्यारह परोस पीर मंडे वाले दिन आप लोग सब लाइव हुईगा जुड़िएगा देखिएगा समझिएगा उसको मिस नहीं कीजिएगा यही कि हम बाद में देख लेंगे और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन की हैं वो लोग मेरी जूम की क्लास का हिस्सा बनेंगे वो लोग उसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे उन लोगों को खास लेक्चर भी होगा और इसमें भी सबक होगा दोनों नेटवर्क से जुड़ेंगे अच्छा एक काम कर लेते हैं चलो आपकी भलाई के लिए मैं कह देता हूँ ताकि अब लोगों को शिकायत ना ना कहीं किसी किस्म की तो मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है शाज़ली इस्लामिक सेंटर ठीक है आप उसको भी यूट्यूब पे सर्च करो क्या शाज़ली इस्लामिक सेंटर उसके अभी फिलहाल मुख्तसर से लोग उसमें मौजूद हैं उसमें मेरी तस्वीर लगी हुई मेरी तस्वीर लगी हुई या लोगो लगा हुआ है उसमें लोगो लगा हुआ है चलो उसमें तो मेरी तस्वीर लगा देना ठीक है उसमें शाज़िल इस्लामिक सेंटर में मेरी तस्वीर लगी हुई और मेरी सारी वीडियोज़ उसमें मौजूद हैं हम उसको आप ज्वाइन कर लेना उस चैनल को शाजली इस्लामिक सेंटर को जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे देख रहे हैं सारे के सारे कर लेना और सारे के सारे उसका लिंक एक जगह वायरल कर देना उसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ क्या होगा आपको कि जो हमारी जूम पर क्लासें हो जाएंगी ना जो लोग ज्वाइन हो जाएंगे जो लोग बातें करेंगे जो लोग मुझसे सुनेंगे मुझसे पूछेंगे मैं उनको तफसल बताऊंगा अगर एक शख्स मुझसे पूछता है कि डॉक्टर साहब ये पंद्रह का नक्शे इससे मैं सखारा कैसे करूं अब मैं उसको उसी वक्त उसको सखारा करने का तरीका बताऊंगा वो जूम पर हो रहा है वो यूट्यूब पे नहीं हो रहा अब एक शख्स मुझसे पूछता है डॉक्टर साहब फला शख्स की बीवी चले गए उसका तरीकेकार बता दें अब मैंने जूम पर ही उसका तरीकेकार बता दिया उसको बोला तुम ये कर लेना समझा दिया इस में से समझाता भी रहूँगा उनको अच्छा जब वो वो हमारी जूम पर क्लास मुकम्मल हो जाएगी ना तो मैं ये करूँगा आपके लिए कि मैं उस जूम की क्लास को आप लोगों के लिए भी शादी इस्लामिक सेंटर पर अपलोड कर दूँगा आप लोग उसको वहाँ से भी देख सकते हो ज्वाइन नहीं हो सकते आप आप सुन सकते हो कि बात क्या करिए डॉक्टर साहब ने बोला क्या था बताया क्या था वो शादी इस्लामिक सेंटर पर मैं अपलोड कर दूंगा ठीक है आपके लिए खाली डॉक्टर अब्दुल अब्दुलवाजी शादली पे हमारे लाइव होगा सेशन हर पीर को और फिर इसके अलावा जो जूम पे क्लास होगी वो मैं शादी इस्लामिक सेंटर पर अपलोड करा दिया करूँगा तो शादी इस्लामिक सेंटर जल्द से जल्द आप उसको ज्वाइन कर लो यूट्यूब पे मौजूद है और बाकी अगर इसके अलावा भी कुछ पूछना है तो आप उससे पूछ सकते हो हमारे नंबर आपके पास मौजूद है आज हमारा पहला एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँचता है इन शाह अब कमिंग मंडे जो आएगा उस पर हमारी दूसरी अपिसोड आएगी फिर मंडे आएगा फिर तीसरी एपिसोड आएगी फिर चौथा मंडे आएगा फिर चौथी एपिसोड आएगी तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वर्का